फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव मेरे चैनल सिंपल रेसिपीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम कई तरह के लड्डू बनाते हैं, और लड्डू में अगर हम पिसे हुए शक्कर की जगह पर शक्कर का बूरा यूज़ करेंगे तो लड्डू ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि शक्कर का बूरा घर पर कैसे बनाएं। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको शक्कर का बूरा बनाने का यह तरीका पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक कप शक्कर का बूरा बना रही हूँ, और एक कप शक्कर के साथ हमने आधा कप पानी ले लिया है और एक टीस्पून हमें घी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम एक पैन में शक्कर डाल देंगे और उसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और इसको लगातार स्टर करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं शक्कर मेल्ट हो गई है, लेकिन जो इसका कलर आया है अभी वो येलोइश आया है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर देंगे और फिर गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और इसमें जो झाग आएगा ऊपर वो झाग हम निकाल देंगे, तो उससे जो हमारी चाशनी बनेगी वो बिल्कुल वाइट बनेगी। तो देखिए झाग आ गया है ना ऊपर, तो बस हम इसको स्पून की हेल्प से निकाल देंगे झाग को। तो ये देखिए झाग किनारे पर आ गया है, तो ऐसे निकाल देंगे हम। तो पूरी तरह से झाग निकालने के बाद हमारी चाशनी बिल्कुल क्लीन हो गई है, और हमको चाशनी को इतना थिक करना है कि लगभग 2 तार की चाशनी बनने के बराबर चाशनी हमारी थिक हो जाए। तो हम इसको स्टर करते रहेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो हम चाशनी की 1-2 बूंद एक बोल में गिरा लेते हैं और हल्का सा ठंडा होने के बाद चेक करेंगे तो अभी चाशनी खाली हल्की चिपक रही है, अब इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तो चाशनी को हम और थिक करेंगे, स्टर करते जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो चाशनी को हमने 1.5 से 2 मिनट और पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। तो चाशनी को हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और हल्का सा ठंडा होने के बाद ही चाशनी को हाथ लगाएं, नहीं तो फिर उंगलियाँ जल जाएंगी। तो ये देखिए काफ़ी मोटा तार बनने लगा है, चाशनी काफ़ी थिक हो गई है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे, और लगभग 1.5 मिनट तक स्टर करने के बाद चाशनी काफ़ी थिक हो गई है। अब इस स्टेज पर हम चाशनी में 1 टीस्पून के लगभग घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से क्या होता है, जो बूरा बनता है वो सॉफ्ट, शाइनी और बढ़िया रवेदार बनता है। तो बस घी ऐड करने के बाद हम चाशनी को तब तक स्टर करेंगे तब तक कि ये बिखर कर इसका बूरा नहीं बन जाता है। तो ये देखिए चाशनी काफी थिक हो गई है, बस हम इसके लम्स फोड़ते हुए और इसको दबाते हुए इस तरह से लगातार स्टर करते जाएंगे। देख सकते हैं बूरा बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप मार्केट से भी अच्छा बूरा घर पर बना सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।